देखिए, देवरिया में जो 6 लोग का एक मर्डर सामने आया है, उसमें सीधे सीधे जो इस प्रदेश की सरकार है, जो लॉ एंड ऑर्डर के कसीदे पढ़ती है, उनकी पोल खुल जाती है। उत्तर प्रदेश में कोई देवरिया का एक कांड नहीं। अभी इससे पहले कौशाम्बी में भी ट्रिपल मर्डर केस हुआ, उससे पहले इलाहाबाद में भी हुआ ट्रिपल मर्डर केस, उससे पहले ये आपका बनारस में हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ, गोविंदपुर में। देवरिया में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एक जमीन को लेकर हुए विवाद ने 2 परिवारों को तोड़ कर रख दिया। एक तरफ जहां प्रेमचंद यादव को मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सत्य प्रकाश दुबे और उसके परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया। मामले पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस मामले में लगातार अब राजनीति भी होती जा रही है। अब इस हत्याकांड को लेकर अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी सरकार को जमकर घेरा। दरअसल पल्लवी पटेल 2 दिवसीय दौरे पर फतेहपुर आई थी। उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। जब उनसे देवरिया हत्याकांड को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, देवरिया में जो 6 लोग का एक मर्डर सामने आया है, उसमें सीधे सीधे जो इस प्रदेश की सरकार है, जो लॉ एंड ऑर्डर के कसीदे पढ़ती है, उनकी पोल खुल जाती है। और ये उत्तर प्रदेश में कोई देवरिया का एक कांड नहीं। अभी इससे पहले कौशाम्बी में भी ट्रिपल मर्डर केस हुआ, उससे पहले इलाहाबाद में भी हुआ ट्रिपल मर्डर केस, उससे पहले ये आपका बनारस में हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ, गोविंदपुर में। तो ये तमाम एरियाज में मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो है, जिनके नाम पे सरकार चल रही है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इनका वोट लेकर के आप सरकार बना रहे हैं, और उन्हीं का उत्पीड़न सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो पल्लवी पटेल ने इस मामले पर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। देवरिया हत्याकांड के बाद पूरा उत्तर प्रदेश दहला हुआ है। दोनों ही पक्ष के लोगों को इंसाफ का इंतजार है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाइयां की जाती हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।